मोटरसाइकिल में जब भी आप फॉग लाइट्स लगाते हैं या कोई भी एक्सेसरीज लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वायरिंग को ठीक से करना, और प्रॉपरली रिलेज इंस्टॉल करके ही हमें वायरिंग करनी चाहिए। रिलेज का फ़ायदा ये होता है, जो कंपनी की स्टॉक वायरिंग होती है उस पर इनके कारण लोड नहीं पड़ता। फॉग लाइट्स के साथ मैंने एक मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट भी इस पर इंस्टॉल करा है, तो सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं बाइक के साइड पैनल्स और सीट को निकाल के। बैटरी की तरफ से मैंने एक सिग्नल वायर को डालना शुरू करा है। अगर आप फ्यूल टैंक को नहीं निकालना चाहते तो नीचे नीचे से भी वायर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली फ्रेम के सेंटर से वायर को डालना चाहते हैं तो फ्यूल टैंक आपको निकालना ही पड़ेगा। इस बाइक में 10 mm के बोल्ट से फ्यूल टैंक कसा हुआ है, तो इसको खोल लिया मैंने। फ्यूल टैंक के नीचे एक फ्यूल गेज सेंसर की वायर होती है और 3 पाइप लगे हुए होते हैं, तो सबको डिस्कनेक्ट करने के बाद फ्यूल टैंक को आप उठा के इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप फ्रेम का बीच का पाइप देख सकते हैं, और मोटरसाइकिल की जो स्टॉक वायरिंग होती है इसी के थ्रू ले जाई गई होती है। वायर को फ्रेम में लगाने से पहले मैंने इसको हीट स्ट्रिंग से कवर कर लिया है, नहीं तो आप पीवीसी स्लीव का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रिंग्स टिपिकली 20 से 30 रुपये मीटर के आसपास पड़ती है और पीवीसी स्लीव थोड़ी सस्ती पड़ती है इसके मुकाबले। फॉग लाइट्स की वायरिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, उस दौरान मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालता था, लेकिन मोबाइल चार्जर की एक वायर डालने के लिए मैंने फ्यूल टैंक निकाला है, तो पुरानी वाली जो वायर डाली हुई है उसी के साथ में इसको डाल दूंगा और केबल टाइज की मदद से सारी केबल्स अच्छे से सिक्योर कर दूंगा। केबल टाइज की एक्सेस लेंथ वायर स्निपर की मदद से काट लेंगे। वायर का कनेक्शन लेने के लिए लैम्प शेड असेंबली के पीछे जो कवर लगा हुआ होता है उसको आपको खोलना पड़ेगा पहले। 10 mm के 2 बोल्ट से कसा हुआ रहता है। मेरे केस में तो फॉग लाइट्स के लिए कनेक्शन मैंने ऑलरेडी ले लिया था, तो इसी में एक और वायर मैं कनेक्ट कर दूंगा। पल्सर 135 में कनेक्शन ब्लैक कलर की वायर में करना है, जो कि रेड कलर के कनेक्टर में मिल जाएगी। अगर आपको इस कलर की वायर नहीं मिल रही है या आपके पास कोई और मोटरसाइकिल है, तब भी चिंता की बात नहीं है। एक मल्टीमीटर की मदद से आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जब आप इग्निशन की डाल के स्विच को ऑन की पोजीशन पे करते हैं तो किस वायर में आपको पॉजिटिव की पावर सप्लाई मिलती है। तो जिस भी वायर में की को ऑन करने पे पॉजिटिव सप्लाई ऑन हो जाती है, और जब आप की को वापस ऑफ करते हैं पॉजिटिव सप्लाई वापस ऑफ हो जाती है, तो उसी में से आपको एक कनेक्शन कर लेना है। एक सोल्डरिंग आयरन की मदद से ये कनेक्शन मैं कर लूँगा। सोल्डरिंग की करेक्ट टेक्निक ऑलरेडी मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ, और इसमें भी आप देख सकते हैं सोल्डरिंग वायर को डायरेक्टली जॉइंट पे टच करते हैं, ना कि सोल्डरिंग आयरन पे। ये प्रॉपर तरीका है सोल्डरिंग का, और इससे कनेक्शन मजबूत बनता है। हल्की सी सिलिकॉन लगा के हीट स्ट्रिंक लगाना आइडियल रहता है, लेकिन इस जगह पे मैं हीट स्ट्रिंक नहीं लगा पाऊंगा, तो मजबूरन इलेक्ट्रिकल टेप लगानी पड़ेगी मुझे। यहाँ एक आध साल बाद इलेक्ट्रिकल टेप अपने आप चिपचिपी होके ढीली होके खुलने लगती है, तो उसको रोकने के लिए इस पे मैं केबल टाइप लगा दूंगा। इस कारण से इलेक्ट्रिकल टेप्स मैं ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करता, खासतौर से इस तरह के एप्लीकेशन में हीट स्ट्रिंक ज़्यादा अच्छा मजबूत काम करती है। इनिशियली तो मैंने हीट स्ट्रिंग्स यूज़ करी थी, लेकिन बाद में मैंने वायर लूम ऑर्डर कर ली थी अमेज़ॉन से। वैसे तो वायर लूम में कट पहले ही बना हुआ होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं बना हुआ था। फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लेड की मदद से इसको काट लेंगे एक तरफ से। वायर लूम को काटे बगैर भी इसके अंदर से वायर्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन कनेक्टर्स अगर लगा दिए हैं वायर्स पर आपने पहले, तो फिर वायर लूम को काट के ही आपको केबल्स इसके थ्रू निकालनी पड़ेगी। वायर्स को इसके अंदर गाइड करके फिर पीवीसी टेप की मदद से इसको बंद कर लेंगे, इससे वायर इसके बाहर नहीं निकलेगी और अच्छा इंसुलेशन बन जाएगा। ऑटोमोटिव वायरिंग में सबसे अच्छा तरीका होता है वायर्स को बचाने का, कहीं भी अब्रेशन से या वाइब्रेशन से वायर्स डैमेज होने के चांसेस इसके वजह से काफ़ी कम हो जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा वायर्स मैंने डाल रखी थी पहले बाइक के फ्रेम के सेंटर से, उनको इसी पीवीसी वायर लूम के अंदर गाइड करके फिर फाइनली टेप से कवर कर लिया। बल्कि आपको कंपनी की जो स्टॉक वायरिंग थी और मेरी जो वायरिंग डाली हुई है उसमें फ़र्क भी नहीं दिख पाएगा इन फुटेजेस में। इसका मतलब ये काम मैंने प्रॉपर तरीके से करा है। हाल ही में रेक्टिफायर रेगुलेटर भी ख़राब हो गया था मेरी बाइक में, तो वो भी मैंने बदला था, जिसके कारण बैटरी भी ख़राब हो गई थी। इन सारे टॉपिक्स पे जल्द आपको वीडियोस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। कभी भी कोई एक्सेसरीज़ के लिए एक्स्ट्रा वायरिंग करें अपने मोटरसाइकिल में, तो कोशिश करें कम से कम हीट स्ट्रिंग से कवर करके वायर्स को डालें। अगर हो सके तो पीवीसी लूम का यूज़ करें, ये सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है। कई बार वायर्स को जब लापरवाही से मैकेनिक्स लगाते हैं तो इंजन की हीट से वायर्स पिघल जाती है, और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का भी खतरा रहता है उससे, क्योंकि वायर्स फ्यूल पाइप्स और फ्यूल टैंक के काफ़ी पास से निकलती है, तो सवारी में बिल्कुल भी रिस्की तरीके से आपको वायरिंग नहीं करनी है। केबल्स को वापस ऑर्गेनाइज करके अंदर सेट कर देंगे, और लैम्प शेड असेंबली का जो कवर होता है वो लगा देंगे। इसके बोल्ट्स पे मैं लॉकटाइट लगाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इन्हें ज़्यादा टाइट नहीं करा जा सकता। और अब फ्यूल टैंक को वापस फिट कर लेते हैं। इसमें 3 पाइप के कनेक्शंस और एक फ्यूल गेज का जो सेंसर की वायर होती है उसका कनेक्शन होता है। एक फ्यूल सप्लाई का पाइप होता है जो कि पेट्रोल कॉक से निकलता है, एक पाइप ईवैप कैनिस्टर में जाता है और दूसरा पाइप वाटर ड्रेनेज में जाता है। एयर फिल्टर के कवर के पीछे बोल्ट डालने की जगह होती है, तो उसी में एक बोल्ट डाल के मैंने ये रिले इस पर कस लिया है।
फॉग लाइट्स के लिए मैंने हॉर्न रिले यूज़ करा हुआ है, क्योंकि उस वक्त दुकान में मुझे यही मिला था। और रिले की वायरिंग के लिए इस तरीके का सॉकेट मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो किसी अच्छी दुकान पे भी इस तरह की वायरिंग के लिए आपको चीज़ें मिल जानी चाहिए। रिलेज के लिए इस तरीके का सॉकेट का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो स्पेड कनेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको मैनुअली आपको अलग अलग टर्मिनल पे खुद से ध्यान से देख के लगाना पड़ेगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि रिले का प्लग एंड प्ले सोल्यूशन बन जाता है, और कभी भी रिले ख़राब होती है बिना सोचे समझे आपको नई रिले लेके डायरेक्टली इसी में लगा लेनी होती है। बस रिले जो आप रिप्लेस करें सेम टाइप की करें, क्योंकि रिले की जो पिनआउट्स होती है इसमें फ़र्क हो सकता है, तो फिर आपका सर्किट शायद काम ना करे। किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए भी हम इसमें फ्यूजेस इंस्टॉल करेंगे। अब सबसे पहले ये वायरिंग डायग्राम आप देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में जब आप वायरिंग करें अपनी मोटरसाइकिल में तो आपको इजी पड़े। अब इस डायग्राम को भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, नहीं तो ये मीनिंगलेस सिंबल्स लगेंगे आपको। ये पॉजिटिव की पावर सप्लाई हमने जहाँ से ली है, आपकी बाइक में कोई भी कनेक्टर हो सकता है, किसी भी कलर की वायर हो सकती है, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया एक फॉग लाइट के लिए, और एक ये डायरेक्ट रिले में चला गया। फॉग लाइट से भी एक रिले में ही जाता है, लेकिन इसके लिए एक एडिशनल स्विच होता है कम्पेयर टू जो एक्सेसरीज हम लगाते हैं, क्योंकि बाकी जो एक्सेसरीज होती है बाइक की चाबी घुमाते ही ऑन हो जानी चाहिए, फॉग लाइट्स में ऐसा नहीं होता है, तो स्विच से ही ऑन ऑफ होती है, लेकिन चाबी निकालते ही दोनों चीज़ें ऑफ हो जानी चाहिए। ये डायग्राम हम यूज़ करते हैं रिलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इसकी कॉइल होती है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक के बीच में पॉइंट होता है, और ये आपको डबल पोल का आउटपुट देता है। हर रिले में कम से कम चार पॉइंट्स होते हैं, तो चार से पांच कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे रिलेज में। NO और NC का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट होता है रिले का, उस पर तब भी सप्लाई आती है जब रिले एनर्जाइज नहीं होता, यानी रिले की जो कॉइल होती है जब आप उसे पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई नहीं देते उसके बावजूद नॉर्मली क्लोज पे सप्लाई मिलती है, लेकिन जैसे ही आप सप्लाई देते हैं रिले की कॉइल्स को, नॉर्मली क्लोज पे से सप्लाई हट के नॉर्मली ओपन पे चली जाती है। जो एक्सेसरीज़ के लिए मैंने सॉकेट यूज़ करा है उस पर 15 एम्पियर का फ्यूज़ दिया है, क्योंकि जो टायर इन्फ्लेटर मैं यूज़ करता हूँ 10 एम्पियर का, तो वही है। और जो ये फॉग लाइट्स है इसके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज़ दिया है। फॉग लाइट्स मेरी 2 से 3 एम्पियर खींचती हैं, लेकिन 5 एम्पियर से कम का फ्यूज़ ईजिली नहीं मिलता है मार्केट्स में। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके लिए इसी तरीके का सिंबल यूज़ करा जाता है। और फॉग लाइट्स ये रही, इनका भी सिंबल थोड़ा सा ऐसे ही होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करा तो आपको पता होगा। और ये जो है एक कैपेसिटर भी मैंने इसमें लगाया है, कैपेसिटर लगाना ऑप्शनल है, मैंने अच्छे रिजल्ट्स देखे। जनरली कैपेसिटर लगाने से क्या होता है कि जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं वो फॉग लाइट्स तक नहीं जा पाती। फॉग लाइट्स के अंदर अपने भी कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है फॉग लाइट आपकी किस तरीके की मेक की है। अगर अच्छी क्वालिटी की फॉग लाइट है तो उसके अंदर अपने कैपेसिटर्स होंगे और वो जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सस्ती क्वालिटी की जो फॉग लाइट्स होती हैं उनमें सब सर्किटरी नहीं होती। तो अगर आपको जैसे फ्लक्चुएशंस मिल रही हैं तो एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर आप लेके लगा लीजिए, 10-15 रुपये का एक होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको मिल जाएगा। और ये जो चीज़ है ये सॉकेट हो गया 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर सॉकेट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का लगता है। जो ऑटोमोटिव रिलेज होते हैं इनका इस तरीके से पिन आउट होता है, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन भी आप इसमें देख सकते हैं, और अपने हिसाब से आप मैच करके अब लगा सकते हैं। सारे डायग्राम्स मैंने आपको दिखा दिए, और अब बाइक में एक्चुअली इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सारी वायरिंग के लिए मैं 1 स्क्वायर mm से लेकर 1.5 स्क्वायर mm तक की वायर यूज़ कर रहा हूँ, ये इस तरह के लोड्स के लिए आइडियल है। और लोकल कंपनी के वायर्स मत यूज़ करना, वो अक्सर अंडर साइज रहती है। कोई भी अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड केबल्स यूज़ करें, मैं तो खैर पूरा बंडल खरीद लेता हूँ और उसी में से थोड़ी थोड़ी केबल्स यूज़ करता रहता हूँ अलग अलग कामों में, क्योंकि पूरा बंडल चीप पड़ता है लॉन्ग रन में। और वायर को मैं अलग अलग कलर की हीट श्रिंक से कवर कर लेता हूँ ताकि मार्किंग कर पाऊँ कौन सी वायर पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। बैटरी में से पावर लेने के लिए रिंग कनेक्टर्स को मैंने क्रिम कर लिया है। पूरी क्रिम्पिंग प्रोसेस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसकी ऑलरेडी एक वीडियो आई हुई है चैनल पे, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। क्रिम्प्ड कनेक्टर्स को खींच के भी देख लें इंश्योर करने के लिए कि सही से लग गए हैं कि नहीं। जो बैटरी के टर्मिनल को कवर करने के लिए एक रबर बूट लगा हुआ होता है, उसी के थ्रू मैंने वायर को निकाल लिया था और ये काफ़ी नीटली इसके अंदर आ जाएगा। अभी कई सारे कनेक्शंस करने हैं और सोल्डरिंग का मैं तरीका तो ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, उसी तरीके से मैं सारे कनेक्शंस को ऑफ द कैमरा कर लूँगा। एक ही आपको दिखा देता हूँ ऑन कैमरा, इसके बाद जल्दी से स्पीड अप करेंगे काम को। शोल्डर जॉइंट्स पे सिलिकॉन लगा के फिर हीट श्रिंक लगा के आइडियल तरीका है कनेक्शंस करने का, इससे वाटर टाइट जॉइंट बन जाता है और वक्त के साथ कोरोजन नहीं आता है। सिगरेट लाइटर सॉकेट के लिए ये ब्लेड टर्मिनल्स भी लगा लिए मैंने केबल्स में।
और रिले का सॉकेट भी मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, तो इसको ऑलरेडी वायर कर लिया है और ये वाला रिले मैं यूज़ करूँगा। सारी चीज़ों के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियरली मैंने डिस्क्राइब भी कर रखा है कि कंपोनेंट को, तो आपको लेने में दिक्कत नहीं आएगी। सेफ्टी के लिए मैंने इसमें फ्यूज़ भी दिए हैं और फ्यूज़ होल्डर अंदर से सेरेमिक का है, बाहर प्लास्टिक है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये फ्यूज़ होल्डर बना हुआ है। ये भी ऑनलाइन ही मिल गया था, आप देख भी सकते हैं। इसमें एक में 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा रखा है मैंने और एक में 5 का। वायर्स को थोड़ा ठीक से अरेंज कर लिया है ताकि राइडिंग के दौरान इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और अब आप देख सकते हैं वायरिंग बिल्कुल परफेक्टली हो गई है। बैटरी चार्जिंग और एक्सेसरीज़ को कनेक्ट करने के लिए जो सिगरेट लाइटर सॉकेट मैंने लगाया था वो ये रहा। इसी में कोई भी 12 वोल्ट का जो चार्जर आता है मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो हम कार में यूज़ करते हैं वो लगाया जा सकता है। इस तरह के सॉकेट्स लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि पावर बैंक तब ख़त्म हो जाता है, तो जब तक बाइक में फ्यूल रहता है और बाइक चल रही होती है तब तक इंजन बिजली बना रहा होता है और उसी बिजली से मोबाइल भी चार्ज होता रहता है। और फॉग लाइट्स को माउंट करने के लिए मैंने इस तरीके का ये क्लैंप बना रखा है। ये एल्यूमिनियम की पत्ती है, 1 इंच की अर्थिंग वाली जो यूज़ करी जाती है। प्रॉपरली इस पर ब्लैक पेंट कर रखा है ताकि क्रोजन ना हो, देखने में बुरा ना लगे। और ये बीच में रबर की ट्यूब्स है ताकि इसका जो पेंट है लेग गार्ड का ये ख़राब ना करे। कई बार होता है राइडिंग के दौरान एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा, तो फॉग लाइट्स से टक्कर लगती है, तो ये ज़्यादा रिजिडली आपने माउंट कर दिए तो फिर ये यहाँ से टूट सकती है, तो ऐसा ना हो इसलिए रबर की बीच में पैडिंग अच्छी रहती। पहले इसमें ड्रिलिंग करके सब बना रखा है इस तरीके से, 2 नट्स मैंने माउंट करके ताकि लूज ना रहे। और एक कॉमनली मिलने वाला फॉग लाइट का स्विच है, बस इसको इस बाइक पे माउंट करना थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें हैंडल बार में ज़्यादा जगह नहीं मिलती। मैंने क्या करा, जो क्लच का लेवर होता है उसी का एक बोल्ट होता है तो उसको खोल के इसी में लगा दिया। ये पीछे एक बैक प्लेट है एल्यूमिनियम की, ये भी मैंने किसी से आके बनाई थी पहले। कई लोग लेग गार्ड में डायरेक्टली होल्स ड्रिल करके फिर फॉग लाइट्स को माउंट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो काफ़ी गलत तरीका है। अगर आप लेग गार्ड में किसी भी तरह की ड्रिलिंग करते हैं तो उससे उनका खुद का जो स्ट्रक्चर होता है वो वीक हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट के दौरान वो आपके पैरों को सफिशेंटली नहीं बचा पाएंगे। तो किसी भी तरह की ड्रिलिंग लेग गार्ड्स में अवॉइड करो, एक अलग से एक्स्ट्रा क्लैंप बना के लगा लो, ये ज़्यादा सेफ तरीका है मेरे हिसाब से। अगर आप इस तरीके से वायरिंग करेंगे तो लॉन्ग ट्रिप में आपके फॉग लाइट्स को या आपकी बाइक की वायरिंग को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा क्योंकि हमने इस मेथड में प्रॉपरली रिलेज और फ्यूज़ का इस्तेमाल करा है। हाल ही में मैंने अमेजोन बेसिक्स का टायर इन्फ्लेटर भी ख़रीदा था, इस पर रिव्यू तो आपको देखने को बाद में मिल ही जाएगा। जो सिगरेट लाइटर सॉकेट आपके सामने मैंने लगाया उसी में ये टायर इन्फ्लेटर भी लग जाता है और चाबी घुमाते ही बाइक की बैटरी से जो करंट होता है इसके सॉकेट में आ जाता है। पहले साइकिल का जो पंप था मेरे पास उससे हवा भरता था लेकिन वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल था, तो जब से मैंने ये टायर इन्फ्लेटर लिया मेरा काम काफ़ी आसान हो चुका है। और बाइक के टायर्स अब ऑप्टिमम प्रेशर पे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।